दोस्तों, आज जो कॉमिक्स में पढ़े उसका नाम है रोबो का प्रतिशोध। ये सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है। उसका पहला पार्ट है ब्लैक कैट। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आप मेरे चैनल में जाइए और वहां पर सुपर कमांडो ध्रुव का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में जाना, उसमें सुपर कमांडो ध्रुव का फोल्डर होगा। ये जो ऊपर स्टोरी है ब्लैक कैट पार्ट की है, पहले पार्ट की, तो आप पढ़ लेना इसको, नहीं तो स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। अब आगे पढ़ते हैं। जल्दी बताओ किधर जाना है। पुलिस फोर्स से बात ही होगी, बस थोड़ी दूर और उन झाड़ियों पर मेरा कॉप्टर प्लेन तैयार खड़ा है। पर अंधेरे में किसी को यह नहीं दिखा कि सड़क के बीचों बीच पेट्रोल से भरा घेरा बना हुआ है। एक जलती माचिस की तीली घेरे पर गिरी, घिस और लपटे लप लपा उठी। यह क्या? इस आग को पार करने की कोशिश मत करना प्लास्टो, वरना प्लास्टिक चाहे बुलेट प्रूफ हो आग में गल जाती है। चंडिका, मुझे मालूम था कि तुम लोग इसी रास्ते से भागोगे, क्योंकि मैंने झाड़ियों के पार खड़ा तुम्हारा कॉप्टर प्लेन देख लिया था। तुमने ध्रुव के साथ जो किया उसका बदला लेने को मेरे हाथ अभी भी मचल रहे हैं, पर 2 मिनटों के अंदर स्पेशल पुलिस फोर्स यहाँ आकर तुमसे हिसाब चुका लेगी। ब्लैकेट की आंखों में भय के बजाय क्रोध भड़क उठा। ये मुझे रोबो तक पहुंचने से रोकना चाहती है, पर ब्लैकेट को अब यमराज भी नहीं रोक सकते। कमाल की छलांग थी। हवा में ब्लैकेट ने कलाबाजी खाई और उसका शेष चंडीगढ़ के साथ साथ जमीन पर आ गिरा। आई धड़ाक। लेकिन अगर ब्लैक बेल्ट ने रोबो तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय कर रखा था तो चंडीगढ़ ने भी ध्रुव के हमलावरों को न भागने देने की कसम खाई थी। दो क्रूर शेरनी आपस में लड़ रही थी। झुम धड़। शक्ति और फुर्ती में दोनों ही एक दूसरे पर भारी थी। धाम। परंतु चंडीगढ़ का अनुभव ब्लैकेट से कहीं ज्यादा था। कुछ इपलौगी भीषण लड़ाई के बाद भाड़ ब्लैक कैट का बदन चंडिका के बूटों के नीचे दबा था। वी वी पुलिस आ गई। तभी हवा में दूर से आती पुलिस सायरनों की आवाजें गूंजने लगी। चंडिका के ध्यान पल भर के लिए बटा। वी वी और ब्लैक कैट के बैग में से एक बिल्ली उछलकर मैं आऊं चंडिका की गर्दन पर आ चिपकी। कुछ पलों के लिए बिल्ली ने चंडिका को अंधा कर दिया। भड़ाक। और ब्लैक कैट ने यह मौका नहीं खोया। पुलिस सायरनों की आवाजें और पास आ गई थी। ब्लैक कैट तेजी से अंधेरे में गुम हो गई। वहां की गर्मी से जुलूस चढ़ा। प्लास्टर यह देखकर बिलबिला उठा। ओफ, यह धोखेबाज एन मौके पर मेरा साथ छोड़ गई। और कुछ ही सेकंड बाद पुलिस ने प्लास्टर को घेर दिया था। हिलना मत वरना इतनी गोलियां बदन में धस जाएंगी कि वजन दोगुना हो जाएगा। ये मूर्खता मत करना गोलियां मुझ पर तो बेसर रहेंगी, पर इस लड़की का बदन इतना सख्त नहीं है। तुम एक और हम 20, तुमको तो हम बगैर गोली चलाए कब्जे में ले सकते हैं। ओह, क्या मेरी सारी मेहनत ऐसे मिट्टी में मिल जाएगी। तभी गोली का बछारा आसमान से लपी तड़ 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 भर निशाना सदा हुआ था। ब्लैक कैट कॉप्टर प्लेन में ऊपर मंडरा रही थी। प्लास्टो चैन पकड़ो। पुलिस के कुछ एक्शन ले पाने से पहले ही कॉप्टर प्लेन नजरों से ओझल हो चुका था। ध्रुव भी ब्लैक कैट को अपना काम पूरा करने से नहीं रोक पाया था। अपराधियों का काल आज अपने काल की तरफ बढ़ रहा था। अगले दिन के सारे अखबार एक ही सुर्खी से रंगे थे, ध्रुव बम विस्फोट में घायल। डॉक्टरों के अनुसार हालत बहुत गंभीर है, पर किसी को भी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था। यह नहीं हो सकता, यह झूठ है, हमारा हीरो कभी मर नहीं सकता। रैम कर वाहेगुरु, रो रहा है तो बेचारा। डॉक्टर दवा कर रहे थे और पूरा शहर दुआ। हे भगवान, ध्रुव भैया को अच्छा कर दो तो मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा। या अल्लाह, इसने की और इंसाफ के फरिश्तों की जिंदगी बख्श दे, बदले में मेरी जान छीन ले। ओ जीजस, जब तक तुम ध्रुव को अच्छा नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। पर कुछ लोग उल्टे दुआ भी मांग रहे थे। ये मर जाए तो घी के दिए जलाऊंगा, बचने की उम्मीद ही नहीं है यार, वह गंभीर रूप से घायल है। अब इस शहर में हम बेखटे अपना शिकार कर सकते हैं। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं बचा। याहू, तड़ तड़ तड़। खबर दूर दूर तक जा पहुंची थी। कमाल हो गया, यानी प्लास्टो का पता हुआ एक एक शब्द सच था। सुपर कमांडो ध्रुव बम विस्फोट में गंभीर रूप से घायल, जो काम मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नहीं कर पाया, ये वह तूने कर दिखाया। तूने ग्रैंड मास्टर रोबो का दिल जीत लिया ब्लैक कैट। अच्छे, तुम्हारी रोबो आर्मी की डिप्टी कमांडर है, यह मेरी खुशकिस्मती है। रोबो बॉस पर कमांडर कौन रहेगा? नताशा, मेरी बेटी नताशा। नताशा आपकी बेटी है? हाँ, ध्रुव इसको फुसलाकर मुझसे दूर ले गया था।
मैं इसको बहलाकर अपने पास ले आया, क्योंकि मुझे अपनी आर्मी को पहले जैसी बड़ी बनाने के लिए नताशा जैसी अनुभवी कमांडर की जरूरत है। इसलिए पहले मैंने इसको अपराधी साबित कराया और फिर पुलिस के चुंगल से छुड़ा कर यहाँ तक ले आया। नताशा अगर सच जाएंगी तो वह फिर से आपके खिलाफ हो जाएगी। कभी नहीं, मेरे पास उसका भी इंतजाम है। यह कंप्यूटर चिप्स या ऑपरेशन द्वारा नताशा के दिमाग में फिट करने के बाद उसका दिमाग हमेशा मेरे कंट्रोल में रहेगा। मेरे हर आदमी के दिमाग में एक कंप्यूटर चिप्स फिट है जिसको मैं इस कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल करता हूँ। वे मेरे खिलाफ बगावत करने की सोच भी नहीं सकते। वह कमाल का सिस्टम है, पर अगर यह कभी फेल हो गया तो मैं तबाह हो जाऊंगा। यह सिस्टम कभी खराब नहीं हो सकता, इसको सिर्फ एक आदमी फेल कर सकता था। इस कंप्यूटर सिस्टम को बनाने वाला पर बेचारे की स्विमिंग पूल में डूब कर मौत हो गई। यानी इस कंप्यूटर चिप्स को मेरे दिमाग में भी लगाया जाएगा? नहीं नहीं तुमने अपनी वफादारी का पर्याप्त सबूत दे चुकी हो, और मैं तुमको एक सफल आतंकवादी बनने के गुर बताता हूँ। हिमालय की बर्फीली चट्टानों के गोद में बसा एक वीरान शहर। यहाँ पर कभी कोयले की खाने हुआ करती थी, पर खानों में आग लग जाने के कारण इस जगह को खाली कर दिया गया। इस चट्टानी सतह के नीचे कोयलों की परत आज भी देख रही है, इसलिए अब यहाँ पर चिड़िया भी पर नहीं मारती। संभल कर चढ़ाई बहुत खतरनाक है। यहाँ पर आने की कोशिश या तो कोई पागल करेगा और या फिर रोबो जैसा खूंखार अपराधी। जी हाँ, यह है ग्रैंड मास्टर रोबो की मांद, और आज उस मांद के पैरे पर बैठा प्लास्टो। हा, क्या खबर है, मन करता पढ़ता ही रहूं। सुपर कमांडो ध्रुव बम विस्फोट में घायल, हालत गंभीर, बचने की उम्मीद है। ध्रुव तो तुम बच गए? ध्रुव को जान ऊपर वाले ने दिए, और यह तभी जाएगी जब वह चाहेगा। यानी वह खबर झूठी है, मैंने छुपाई है ताकि तुम्हारा मालिक रोबोट थोड़ी देर के लिए खुश तो हो ही ले। पर तुमको यहाँ का पता किसने बताया? तुमने प्लास्टो? मैंने कब? जब तुमने पुराने शहर में मुझे कार की छत से गिरा था, तब मेरे हाथों में तुम्हारा ओवरकोट का टुकड़ा फटकर आ गया था। उस टुकड़े में जेब भी थी, और जेब में कुछ कागज भी थे। उन्हीं में से कागज पर इस कोयला खान का नाम लिखा हुआ था। अब तुम मुझको यह बताओ कि नताशा कहाँ है, तो बने षडयंत्र क्यों रचा था? यह मैं तुमको तब बताऊंगा जब मैं और तू नरक में मिलेंगे। धाड़, मेरा नरक में जाने कोई इरादा नहीं है प्लास्टो, और न ही मेरा। धाड़ चंडिका, तू भी अपना अधूरा काम पूरा करने आई प्लास्टो। चंडिका प्लास्टो की तरफ लपकी, लेकिन चंडिका की प्लास्टो से पहली लड़ाई थी। उसको प्लास्टो के शरीर की कठोरता का एहसास नहीं था। एक बार से उसका दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया, लेकिन ध्रुव ने प्लास्टो की कमजोर नस ढूंढ ली थी। इसका पूरा सिर तो बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से ढका है, पर इसके मुंह और नाक के छेद खुले हैं। ध्रुव का गुब्बार प्लास्टो की सांस के साथ अंदर घुस गया। एक छींक के साथ उसकी आंखें बंद हो गई, और उसी पर ध्रुव के एक करारे गुस्से ने उसके दांतों के साथ दिमाग के कोने को भी हिला दिया। धड़ाक, दूसरे गुस्से ने दांतों की जड़े उखाड़ दी। ब्राउन भ्यूम, और बूट की कराई ठोकर ने कुछ दांत उसके हलक के नीचे उतार दिए। धाड़, प्लास्टो के मुझे खून की फुहार उबल पड़ी। बता प्लास्टो, वरना तेरे सारे दांत तेरे पेट में भर दूंगा। बताता हूँ, ध्रुव पल भर के लिए रुका और प्लास्टो अपनी चाल चल गया। बताता हूँ, कमांड कनपट्टी पर ठोकर से ध्रुव का सर झंझना उठा, और प्लास्टो ने बला की फुर्ती दिखाते हुए उसे कोयला ढोने वाली बैटरी के साथ कस दिया। एक स्विच ऑन हुआ और मशीन हरकत में आ गई। घर धम धम, बेल्ट कोयले के टुकड़ों के साथ ध्रुव के शरीर को लेकर कोयला तोड़ने वाले विशाल हथौड़े की तरफ बढ़ने लगी। और मैं इन बंदरों को तोड़ सकता हूँ, पर जब तक मैं इन बंदरों को तोड़ूंगा, यह थोड़ा मेरी हड्डियां तोड़ चुका होगा। मौत से बचने के लिए मेरे पास कुछ ही सेकंड है। ध्रुव का हाथ घुमा, चर कोयले का टुकड़ा ठक घर स्विच से टकराया, घर और मशीन बंद हो गई। उसी पल ध्रुव ने अपने बंधनों से इससे आजाद हो गया, और मशीन फिर से उनका था। प्लास्टो एक ही खाकर दूजा गिरा, और ध्रुव ने उसको दबोच लिया। गड्ढे के अंदर देखते कोयले की लाली अंधा की दे रही थी। गर्मी पारदर्शक खाल से खींची थी, प्लास्टो के दिमाग तक पहुंच रही थी, और ध्रुव के शक्तिशाली हाथ उसका कंधा उतारने को बेताब थे। बताता हूँ, मुझे छोड़ दो। एक मिनट ध्रुव, अब इसे मत छोड़ना, पहले मैं सच बोलने का इंतजाम करा लूं। चंडिका ने एक बड़ा सा कैप्सूल प्लास्टो के टूटे दांतों से अंदर घुसेड दिया। अब इसे छोड़ दो। यह तुमने मुझे क्या खिला दिया? यह एक जहर का कैप्सूल है प्लास्टो,
इसको खाने के कुछ घंटे बाद आदमी मर जाता है तड़प 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 कर, पर मेरे पास इसकी काट भी है, नहीं तुम झूठी या मेरे पेट में जलन हो रही है, मेरे गले में आग लग रही है, यह जहर का पहला सर प्लास्टो अब सोदा सीधा सा है, तुम हमको रोबो का पता बताओ और मैं तुमको इस जहर की काट दे दूंगी। रोबो उधर एक इमारत में, कमांडर नताशा भी वहीं पर है। वेरी गुड प्लास्टो, अच्छा बच्चा, अब आगे आगे चलकर हमको रास्ता दिखाओ, एक बार मुझे जहर की काट मिल जाए फिर तुझे तुझे सीधे यमलोक का रास्ता दिखाऊंगा। नताशा पर ऑपरेशन सफल रहा था, तुम पर यही पोशाक फपती है नताशा। हाँ पापा, मैं मूर्ख थी जो कानून का साथ देने चली थी, अब मेरा दिमाग एकदम साफ हो गया, पर मुझे अभी उसी समुद्र के अंदर तैरते अड्डे की याद आती है। मुझे भी बेटी, पर अब तुम मेरे साथ आ गई हो तो हम एक बार फिर वैसा ही अड्डा बनाएंगे। वाह, वैसे फिलहाल मैंने तुम्हारी खुशी का भी इंतजाम कर रखा, आओ मेरे साथ, ये देखो 100 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा है विशाल एक्वेरियम, इसे मैंने खास तौर से जब समुद्री जीव जंतु और समुद्र का पानी मंगवा कर बनाया है। यहाँ खड़े होकर तुमको ऐसा लगेगा मानो तुम समुद्र के अंदर ही हो, आप इतने अच्छे पापा। ध्रुव और चंडिका नताशा में आप बदलाव से अनजान थे, अब यहाँ से आगे मैं नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे बेहोशी आ रही है, यह मर जाएगा। चंडिका, तुमने इसको कौन सा जहर खिला दिया है? बेकार के सवाल मत करो, वक्त कम है, बताओ आगे क्या करना है। रात का अंधेरा और गहरा होते ध्रुव तथा चंडिका अलग अलग रास्तों से इमारत के अंदर प्रवेश कर रहे थे। इस कमरे में अंधेरा है, यहीं से काम शुरू करना ठीक रहेगा, सबसे पहले काम नताशा को ढूंढ कर समझाना है और समय कम है, इसलिए मैंने चंडिका को अलग भेजा। रहे ध्रुव ने पैर अंदर रखा और उसका पूरा शरीर पानी में घुसता चला गया, तभी ध्रुव के पूरे शरीर को एक तेज झटका लगा। याओ, यह तो खरा समुद्री पानी है, निरोब का भी समुद्र से लगाव खत्म नहीं हुआ है। ध्रुव तेज से पानी से बाहर निकला, मेरे कॉलर के अंदर कुछ रेंग रहा है। अब तक ध्रुव की आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो चुकी थी। ओ, यह तो ईल मछली है जिसे अपने शत्रु को करंट द्वारा बेबस करने की क्षमता होती है। शुक्र है कि इसने मुझे तेज करंट नहीं मारा, वरना यह तो घोड़े को बेबस को अंदर ला रहा है। अभी अंदर को चीखा था, बतिया जली और दोनों की आंखें फैल गई। ध्रुव यहाँ पर और जिंदा, और फिर ये भगवान क्या सॉलिड नमूना बनाया है, तो रावण का भाई लग रहा है और फुर्तीला भी है, तू कर सर के हाथों नहीं बचेगा इसका। एक तेरी खोपड़ी देखकर रोबो भी, रोबो बॉस मुझे इतना इनाम देंगे जितना मैंने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया, इसका एक ही बार मेरी खोपड़ी चकनाचूर करने के लिए काफी है। तड़ाक, पर जो जितना बड़ा होता है उतनी जल्दी गिरता भी है। ध्रुव ने कर्सर की खोपड़ी को पूरी शक्ति से दीवार पर दे मारा। कायदे से कर्सर को बेहोश हो जाना चाहिए था, पर हर काम कायदे से नहीं होता। आओ, इसका शरीर तो लोहे में ढलाल लग रहा है। ईल, अब तो ही मेरी मदद करना। दूसरे झटके ने कर्सर क्या दिया, एक ही एक्शन में ध्रुव ने ईल को पानी सहित कर्सर के कपड़े के अंदर पलट दिया, और खुद ईल ने एक जबरदस्त झटका मारा। दूसरे झटके ने कर्सर की आधी ताकत को खत्म कर दिया। आई, और बेदम कर्सर इस बार अपने होश संभाल कर नहीं रख पाया। धड़ाक, पर कर्सर की चीखों ने पूरी इमारत को गूंजा दिया था और ध्रुव के उपस्थिति का पता सबको चल गया था, लेकिन ध्रुव नताशा के साथ साथ ब्लैक कैट और प्लास्टो वापस ले जाने का बीड़ा उठा चुका था। बंदूकधारियों के बीच घूमते ध्रुव पर नजर टिका पाना भी मुश्किल था, गोलियां बंदूक से बाहर निकलना भूल चुकी थी। तभी एक कड़कदार आवाज ने ध्रुव के हाथ थाम दिया, रुक जाओ कमांडो, वरना इस लड़कियां भेजा फर्श पर बिखरा नजर आएगा। नताशा, यह तुम क्या करी हो, क्या तुम चंडिका को भी नहीं पहचानती? नताशा अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलती सुपर कमांडो ध्रुव, जब मैंने इसे समझाने की कोशिश की तो इसने मुझे भी यही जवाब दिया। ध्रुव, ट्रुप्स बांध दो इन दोनों को खंबे से। हाँ, देखा ब्लैक कैट, मैं दिमागों को कैसे कंट्रोल करता हूँ, अब तुम आगे का तमाशा देखते जाओ। रोबो की अदालत तुम दोनों को मौत की सजा सुनाती है, डेथ बाय बुलेट। नताशा, उसमें आओ, अब पुलिस भी जान गई है कि तुम निर्दोष हो, तुमको फंसाने की स्कीम रोबो ने बनाई थी। चिल्लाते रहो ध्रुव, नताशा इस वक्त वही करेगी जो मैं कहूंगा। रोबो इधर से देखने में इतना खोया हुआ था कि अब ब्लैक कैट पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, जिसकी उंगलियां तेजी से कंप्यूटर सिस्टम के बटनों पर फिसल रही थी। रेडी रोबोट ट्रूप्स, निशाना साधो, क्लिक कट। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक करके लाइनें गायब हो रही थी। 1 2 3, कंप्यूटर की स्क्रीन साफ हो रही थी। फायर, एक बेआवाज चमक के साथ कंप्यूटर की स्क्रीन साफ हो गई। अरे यह मैं क्या कर रही हूँ, नताशा की कड़कदार आवाज फिर से मुलायम हो गई।
ट्रिगरों पर दबते उंगलियां ढीली पड़ गई। हम इन पर गोलियां चलाने क्यों जा रहे थे, या कि हवाइन पे इन पर से मेरा कंट्रोल खत्म कैसे हो गया? अरे मेरा कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गया, तूने मेरा सिस्टम कैसे बेकार कर दिया? इसे तो सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम रामन ही, मैं उसी कंप्यूटर प्रोग्राम रामन की बेटी हूँ। रोबो? क्या? हाँ रोबो, वही रामन जिससे तुम बिजनेसमैन के रूप में कर रमाडा क्लब के स्विमिंग पूल के किनारे मिले थे, पर जब वह तुम्हारी असलियत जान गए तो तुमने उनको प्रोग्राम हथिया कर स्विमिंग पूल में डुबो कर मार देना चाह। पर डैडी उस वक्त मरे नहीं थे, वे अस्पताल जाकर मरे, पर मरने से पहले उनको एक बार होश आया था और उन्होंने एक ही नाम बोला था, ग्रैंड मास्टर रोबो आतंकवादी। उस वक्त मैं छोटी थी, जिमनास्टिक की ट्रेनिंग चल रही थी मेरी। पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या का नाम दिया। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, मैं कानून की दीवारों से सिर मारती रह गई। कानून से मुझे नफरत होगी और मैंने बदले की मसाल खुद थाम ली। तुमको तबाह करने की मेरी इच्छा आज पूरी होगी रोबो, मेरी कई सालों की तलाश आज खत्म होगी। तेरी तलाश तेरी लाश के साथ खत्म होगी लड़की। रोबो का धोखा देने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा। तड़ 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 ब्लैक कैट के दिल में धधकती बदले की आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी। खटाक, दोनों ही एक दूसरे के लहू के पैसे हो रहे थे और ध्रुव रोबो की तरफ बढ़ रहा था। इस बार रोबो मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा, पर यह याद रखना ध्रुव, रोबो का डर खत्म करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर रोबो को शारीरिक नुकसान पहुंचाने से पहले तुमको मुझसे टकराना पड़ेगा। ऐसा नहीं, अरे ब्लैक कैट। तभी ब्लैक कैट का बदन कॉरिडोर में आ गिरा और उसके पीछे पीछे ग्रैंड मास्टर रोबो। तो यह लड़की तुम्हारी साथी ध्रुव, तब इसने तुमको लॉकअप में जिंदा छोड़ दिया और यहाँ आकर मेरा कंप्यूटर सिस्टम तबाह कर दिया। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर से तबाही मिलती है रोबो। अगर मेरी तकदीर में तबाही लिखे तो मैं तुम सबको तबाह करके ही जाऊंगा। तड़ 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 बचो नताशा चंडीगा, गोले की बोछार अपना पराया कुछ भी नहीं देख रही थी, पर ध्रुव के रहते गोलियां ज्यादा देर तक शोर नहीं मचा सकती थी। तड़ तड़ एक सदीव किक ने रोबो का हथियार बेकार कर दिया कड़ाक, और दूसरे किक ने उसे जमीन पर लापटका धड़ाक। अब तेरी कोई चाल नहीं चलेगी रोबो, तेरे पर कट चुके हैं रोबो के, पर तू नहीं गिन पाएगा कमांडो। रोबो की मशीनी आंख समक उठी, ऑफ लेजर किरणें, रोबो ने अपनी ताकत काफी बढ़ा ली है। खड़ाक, रोबो की जब दूसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाती है। प्रलय वही जिसमें धरती पानी से भर जाती है। रोबो ने खुद ही मुझे अपनी हार का रास्ता बता दिया है। अगले पल ध्रुव तेज से एक तरफ भागा, चाहे कहीं भी भाग ले कमांडो, पर अपनी मौत से बचकर आज तक कोई भाग नहीं पाया। ध्रुव भागकर एक्वेरियम वाले कक्ष में घुस गया था। अब तो नहीं बचेगा ध्रुव, क्रूर रोबो की लेजर किरणें ध्रुव की तरफ लपकी, लेकिन ध्रुव के बजाय एक्वेरियम के शीशे से जा टकराई। एक भयंकर छनाका हुआ छनाक और प्रलय आ गई। सर पानी क्या भीषण रेला इमारत के दरवाजों को तोड़ता हुआ बाहर फैलने लगा। पानी के रेले के साथ हर चीज बहकर बाहर आ रही थी। नताशा चंडीगा पर ब्लैक हेड कहाँ है? पता नहीं, जब हम गोले के बछार से बचकर उठे तो वह गायब हो चुकी थी। रोबो भी कहीं नहीं दिख रहा है। अब किसी को ढूंढने का समय नहीं है, भागो यहाँ से। कुछ ही पल बाद ध्रुव प्लास्टो को लाद कर नताशा और चंडीगा के साथ स्टारकॉप्टर की तरफ भाग रहा था। तुम ब्लैक हेड और रोबो को ढूंढने के लिए रुक क्यों नहीं रहे ध्रुव? इस पथरी सतह के नीचे देखते कोयलों की परत चंडीगा, जब एक्वेरियम का पानी उस तक पहुंचेगा तो भाप बनेगी और वह भाप नीचे से इतना जोर का दबाव मारेगी कि यह पूरा इलाका उड़ जाएगा। यह सब होने में कुछ ही मिनट लगेंगे। ध्रुव का अंदाजा एकदम सही था। कुछ ही मिनटों में करण भेदी धमाका हुआ और पूरा इलाका धूल में मिल गया। ब्रॉम पर तब तक स्टार हेलीकॉप्टर सुरक्षित आकाश में था। इस बात का मुझे अब हमेशा अफसोस रहेगा कि ब्लैक हेड को ढूंढने के लिए हम रुक नहीं सके। एक दुश्मन के लिए अफसोस कर रहे हो ध्रुव, ब्लैक हेड दुश्मन नहीं थे नताशा, यह मुझे तभी पता चल गया था जब मुझ पर उसने पुलिस लॉकअप में बम दागा था। वह बम सिर्फ इतना शक्तिशाली था कि मुझे कुछ देर के लिए बेहोश कर सके। ब्लैक हेड का मकसद मुझे खत्म करना कभी नहीं था, पर रोबो को वह क्यों ढूंढना चाहती थी यह बात हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। ब्लैक कैट का मकसद अभी मरा नहीं था। मैंने चपा चपा छान मारा, रोबो की लाश बाकी लाशों में नहीं है, वह भी मरा नहीं है और ब्लैक कैट भी अभी जिंदा है। हम फिर मिलेंगे रोबो और फिर राजनगर में। वाह ध्रुव, तुमने हमेशा की तरह अपना वादा जान पर खेल कर भी निभाया, पर प्लास्टो अभी तक बेहोश है। उसको तुमने क्या खिला दिया चंडीगा? एक कैप्सूल अंकल, जिसमें आधी बेहोशी की दवा थी और आधा था तेज लाल मिर्च का पाउडर जो पेट और गले में तेज जलन पैदा करता है। समाप्त।
दोस्तों, अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली अच्छी कॉमिक्स में।